आइए अब करते हैं 13th क्वेश्चन को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट मज़ा बहुत आएगा, आइए करते हैं। देर आर 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अ कैंडिडेट गेट्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर करेक्ट आंसर पर कैंडिडेट को मिल रहे हैं 4 मार्क्स। फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड और रॉन्गली आंसर्ड 1 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम टोटल स्कोर। इसका मतलब ये है कि अगर उसने अटेम्प्ट नहीं किया या फिर गलत भी हुआ तो 1 मार्क उसका कैंसिल कर दिया जाएगा टोटल स्कोर में से। जो भी करेक्ट आंसर्स होंगे मल्टीप्लाई बाई 4 हम जो करेंगे उससे माइनस रॉन्ग आंसर्स, मतलब रॉन्ग आंसर्स के लिए कितना है 1 मार्क है। तो हमें पता क्या करना है, इफ़ अ कैंडिडेट स्कोर्स 450 मार्क्स इन अ टेस्ट हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। अगर एक कैंडिडेट को 450 मार्क्स आते हैं टेस्ट में तो वो कितने करेक्ट आंसर किया है वो हमें पता करना है। तो आइए, हमें तो नहीं पता कितने उसने करेक्ट किए हैं तो हम उसको मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू एक्स। क्या करेंगे हम यहाँ पर मानेंगे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस को एक्स। अब एक और ख़ास बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चंस थे वो थे 180। तो अगर हम क्वेश्चंस करेक्ट और रॉन्ग, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लूंगा लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस इज इक्वल टू वाई ले लेता हूं, ठीक है। अगर हम करेंगे एक्स प्लस वाई, मतलब करेक्ट क्वेश्चंस और रॉन्ग क्वेश्चंस दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, करेक्ट क्वेश्चंस प्लस रॉन्ग क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, ये तो 180 ही रहेंगे। समझ में आ गई बात। करेक्ट क्वेश्चंस को हमने माना x, रॉन्ग क्वेश्चंस को हमने माना y। इन दोनों को ऐड करने पर टोटल क्वेश्चंस कितना है 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आइए बढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। अ कैंडिडेट गेट्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर जिसको हमने x माना था उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से। तो सेकेंड इक्वेशन कैसा बनेगा, 4x फिर बनेगा। एंड फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड और रॉन्गली आंसर्ड 1 मार्क इज डिडक्टेड। डिडक्ट मतलब माइनस, माइनस हर रॉन्ग आंसर को हमने माना है y, इज इक्वल टू 4x मतलब करेक्ट आंसर से मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस जितने भी रॉन्ग है y। कितने मिले टोटल उसको, 450 मार्क्स मिले हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 450। करेक्ट आंसर को मल्टीप्लाई बाई 4, माइनस करेंगे रॉन्ग आंसर्स को, इज इक्वल टू कितने मिले 450। अब ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। नाउ वी विल कंपेयर बोथ द इक्वेशंस। इसको मानिए 1, इसको मानिए 2। अब लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो कंपेयर करने पर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा x प्लस वाई प्लस 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। 450 से ऐड होगा 180 प्लस 450। ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, सो x प्लस 4x 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 450। हाउ मच इट विल बिकम, 630। अब इस y को उधर भिजाइए, सो x इज इक्वल टू 630 डिवाइडेड बाई 5। 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 1 बचा कैरी कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 3 बच गया कैरी कर लीजिए 6। तो टोटल हमें कितने मिले हैं करेक्ट आंसर्ड क्वेश्चंस इज इक्वल टू हाउ मच, 126। उसने 180 क्वेश्चंस में से 126 करेक्ट आंसर्स किए थे, बाकी के 180 में से जो बच चुके हैं वो रॉन्ग आंसर्स थे। तो इस तरह से आपको मिलेगा इस 13 क्वेश्चन का आंसर।